Bismillahir Rahman Rahim. Alaikum dear students, viewers, and listeners. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. This is lecture number four regarding present in definite tense. Dear students, if you remember, in the previous lecture we discussed. Simple interrogative sentences of present indefinite tense. In today's lecture, we are going to discuss double interrogative sentences of present indefinite tense. First, we see which helping verb is being used, what type of words and form is being used in double interrogative sentences of present indefinite tense. तो जिस तरह हमने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल की थी तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारी सेम है ठीक है कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करनी है डू एंड डस इसके साथ जो एडिशन होगी हमारे सेंटेंसेस में वो है क्वेश्चन वर्ड्स अब क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जस्ट लाइक वैन वट वेयर वाई होम हाउ तो ये क्या कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज तो फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की है वो इस्तेमाल होती है अब हम देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ हमने डज यूज़ करना है और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ हमने डू इस्तेमाल करना है तो सब्जेक्ट्स जस्ट लाइक ही शी इट एंड सिंगुलर डज इज़ यूज अभी इट और सिंगुलर के साथ डज इस्तेमाल होता है नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं आई वी दे यू एंड फ्लोरल डू इज़ यूज तो इनके साथ जैसे कि आई है वी है दे यू और जितने भी जमा वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं डू इस्तेमाल करते हैं नो वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ़ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनटेंस कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट इज़ यूज क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड के आफ्टर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के आफ्टर हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट के बाद जो है हम वर्ब और वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है ठीक है अब जैसे कि हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल है कि वेयर डू दे प्ले क्रिकेट अब उर्दू में हम क्या कहेंगे कि वो कहाँ क्रिकेट खेलते हैं वो कहाँ क्रिकेट खेलते हैं अब जो कहाँ है ये क्या है इसके लिए हमने क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है और कहाँ के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है वेयर तो वेयर आपका क्या है क्वेश्चन वर्ड है तो डबल जो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दे स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड्स ठीक है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसीज आर स्टार्टिड विद क्वेश्चन वर्ड्स के जब आपके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू होते हैं जैसा कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देख सकते हैं सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड चूज़ किया है देन आपने हेल्पिंग वर्ब चूँकि दे जो है वो फ्लूरल है और प्लूरल के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं तो डू आपकी क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब है अब सब्जेक्ट क्या है वो यानी जमा हैं कहाँ खेलते हैं तो जमा है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं दे इस्तेमाल करते हैं खेलना उसके लिए हम प्ले यूज़ करेंगे प्ले हमारा वर्ब है और क्रिकेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है अब आप जहन में ज़रा जो सिंपल आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे उसको आप ज़रा एक दफ़ा माइंड में लाएं तो उसका स्ट्रक्चर क्या था लास्ट पे एग्जांपल दी हुई है मैं आपको वो बता देती हूँ कि लास्ट पे आप देखें कि जो सिंपल हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसका क्या था स्ट्रक्चर कि फर्स्ट वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल एट द एंड सबसे एंड पे जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि डू आई टेला लाई डू आई टैला लाई कि क्या मैं झूठ बोलता हूँ तो इसमें क्या है ये सिंपल आपका इंट्रोगेटिव है ठीक है और ये कहाँ स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है जबकि जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है आपकी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है क्यों स्टार्ट हो रही है क्योंकि वो डबल इंट्रॉगेटिव हैं और डबल इंट्रोगेटिव हम उन्हीं सेंटेंसेस को कहते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं जबकि सिंपल जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कहाँ स्टार्ट होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं एज़ यू कैन सी द डिफ्रेंस बिटवीन डबल इंट्रॉगेटिव एंड सिंपल इंट्रॉगेटिव तो ये जो डिफरेंस है वो इसमें आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव की एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट है कि वाई डज़ असद बीट हिम के असद उसे क्यों मारता है अब क्यों के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं वाई अब चूंकि असद सिंगुलर है हमारे पास जो है ये नाउन है तो सिंगुलर और नाउन के साथ हम डज़ इस्तेमाल करते हैं तो वाई क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद हमने डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ की और असद जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और बीट हमारे पास वर्ब है और हिम जो है उसमें ऑब्जेक्ट है वाई डज असद बीट हिम असद उसे क्यों मारता है नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू आय टैला लाई कि मैं कैसे झूठ बोलता हूँ तो अब कैसे के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश में वो क्या है हाउ है और आय के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है प्रजेंट इन डेफिनेंट इंट्रोगटिव सेंटेंसेज में वो हमारे पास क्या है डू है और सब्जेक्ट इसमें आय है और टेल जो है वो आपका वर्ब है और लाई जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है हाउ डू आई टेल अ लाई कि मैं कैसे झूठ बोलता हूँ अगेन सिंपल वाला भी आप देख लें डू आई टेल अ लाई क्या मैं झूठ बोलता हूँ तो ये सिंपल है और ऊपर हमारी जितनी भी एग्जांपल्स थी वो डबल इंट्रोगेटिव की थी नाउ वी सी मोर एग्जांपल्स रिगार्डिंग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अब हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं विद उर्दू ट्रांसलेशन उर्दू भी इनके साथ साथ हमने दी हुई है कि वो क्यों चाय पीते हैं वाई डू दे टेक टी क्यों के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया क्वेश्चन वर्ड वाई और दे चूँकि प्लूरल है तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इसके साथ डू इस्तेमाल की है टेक जो है इसमें वर्ब है टी जो है इसमें ऑब्जेक्ट है वो क्यों चाय पीते हैं वाई डू दे टेक टी असलम कब चाय पीता है अब कब के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन वर्ड वैन असलम चूंकि नाउन है और नाउन के साथ डज़ इस्तेमाल होता है इसलिए वैन के बाद हमने डज इस्तेमाल किया टेक जो है हमारा वर्ब है और टी जो है एज़ हमारा ऑब्जेक्ट है वैन डज़ असलम टेक टी आयशा कब चाय पीती है अब कब के लिए वैन इस्तेमाल होगा और आयशा भी चूँकि नाउन है और इसके साथ भी डज इस्तेमाल होगा वैन डज़ आयशा टेक टी असलम और आयशा कब चाय पीते हैं अब देखें ऊपर वाली जो एग्ज़ाम्पल्स थी उसमें एक एक हमारे पास नाउन था इसलिए वो सिंगुलर थे जब दो लोग होते हैं तो दो लोग मिलके क्या बनाते हैं प्लूरल बनाते हैं जब प्लूरल है तो फिर उसकी हेल्पिंग वर्क भी उसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी वैन डू असलम एन आयशा टेक टी अब हमने क्या इस्तेमाल किया क्वेश्चन वर्ड के बाद डू इस्तेमाल किया है डू क्यों इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे पास दो जो है वो सब्जेक्ट्स हैं और प्लूरल फॉर्म में हैं एक असलम है और दूसरी आयशा है वैन डू असलम एन आयशा टेक टी नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है मेहमान कब चाय पीते हैं अब मेहमान जो है यहाँ पे प्लूरल के तौर पे यूज़ हुआ है और कप के लिए वही वर्ड रहेगा वन और चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमने डू इस्तेमाल करना है वैन डू गेस्ट स्टे टी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि आप कब चाय पीते हैं वैन डू यू टेक टी वो कहाँ चाय पीता है अब वो कहाँ चाय पीता है तो इसके जो उर्दू में सेंटेंस दिया हुआ है वहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किया गया है तो कहाँ के लिए हमने वेयर क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना है चूँकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने डज़ इस्तेमाल करना है इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया क्वेश्चन वर्ड के आफ्टर डज़ इस्तेमाल किया है पीता है और यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल किया है ही का वेयर डज़ ही टेक टी वो कहाँ चाय पीती है वेयर डज शी टेक टी ऊपर जो है वो क्या था मेल के लिए था और नेक्स्ट uh, सेंटेंस में जो है वो फीमेल के लिए है तो इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगा लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया है ऊपर के सेंटेंस में ही था और नेक्स्ट सेंटेंस में शी है वेयर डज शी टेक टी ये कैसे चाय पीता है और कैसे के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या है हाउ है हाउ डज इट टेक टी वो कैसे चाय पीती है हाउ डज इट टेक टी वो क्यों चाय पीते हैं वाई डू दे टेक टी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कैसे चाय पीते हैं हाउ डू वी टेक टी नेक्स्ट है तुम क्यों चाय पीते हो वाई डू यू टेक टी नेक्स्ट हमारे पास है आप कब चाय पीते हैं वैन डू यू टेक टी तो अब आपने आई होप कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो गई होगी कि सबसे पहले आपने क्या करना है डबल इंट्रोगटिव में आपने क्वेश्चन वर्ड यूज करना है देन आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और उसके बाद आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है और उसके बाद आपने वर्ब और देन ऑब्जेक्ट नाउ वी मूव टू वर्ड्स अदर एग्ज़ाम्पल्स रिगार्डिंग डबल इंट्रॉगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास कुछ और एग्ज़ाम्पल्स हैं डबल इंट्रॉगेटिव सेंटेंसेस की उसमें जो हमारे पास फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है वो है कि वट डू यू टेक इन मील एट नाइट कि आप रात के खाने में क्या लेते हैं तो यू के साथ चूंकि हम डू इस्तेमाल करते हैं और क्या के लिए हम वट इस्तेमाल करते हैं तो वट जो है वो आपका क्या है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है वट डू यू टेक इन मील एट नाइट नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है हाउ डज शी सिंग अ सॉन्ग कि वो कैसे गाना गाती है अब शी चूंकि सिंगुलर है तो इसलिए हमने इसके साथ डज़ इस्तेमाल किया कैसे के लिए हम हाउ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं हाउ डज़ शी सिंगा सॉन्ग नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वाई डू दे फाइट विद ईच अदर वो क्यों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं अब चूँकि ये फ्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर दे इस्तेमाल करना है और दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है और क्यों के लिए हम वाई इस्तेमाल करेंगे तो अब हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह से होगा वाई डू दे फाइट विद ईच अदर कि वो क्यों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है हाउ डज़ कामरान सॉल्व द सम कि कामरान कैसे सवाल हल करता है अब कैसे के लिए हमने हाउ इस्तेमाल करना है कामरान चूँकि नाउन है सिंगुलर है तो इसलिए हमने इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है डज है फिर कामरान सब्जेक्ट है सॉल्व जो है वो हमारे पास वर्ब है और सम जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो अब इसका क्या स्ट्रक्चर होगा हाउ डज कामरान सॉल्व द सम के सम कामरान जो है वो कैसे सवाल हल करता है नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है कि वाई डू दिंदूज़ बरी द डेड कि हिंदू जो है वो मुर्दा को क्यों दफन करते हैं अब हिंदूज़ जो है चूंकि पुरूरल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और क्यों के लिए हम वाई इस्तेमाल करेंगे रूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो डू है तो अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा वाई डू दिंदूज बरी द डैट कि हिंदू क्यों मुर्दा को दफन करते हैं नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है हुम डू यू वांट टू सी कि आप किससे मिलना चाहते हैं अब किसे के लिए जो हमारा क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होता है वो होम है और यू के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो डू है और वांट जो है वो हमारा वर्ब है और सी जो है वो हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है होम डू यू वांट टू सी कि आप किसे मिलना चाहते हैं तो ये आज के हमारे सेंटेंसेस थे रिगार्डिंग डबल इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इन डेफिनेटेंस और इसका जो है ओवरव्यू ले लेते हैं कि फिर से आपको बता रही हूँ कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं ऐसे फिक्रात को कहते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं जैसे वेन है वाई है वेयर है हाउ है वट है हुम है ठीक है तो जो भी अलफाज जो भी आपके सेंटेंसेस इन अल्फाज से शुरू हो रहे हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि ये डबल इंट्रोगेटिव हैं इसके अपोज़िट हम देखते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव को सिंपल इंट्रोगेटिव जो है वो कैसे स्टार्ट होते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जैसे डू और डज है आई होप ऑल ऑफ़ यू गॉट टू डेज लेक्चर वेरी वेल इनशा वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर كل ده انا حافظ